उत्तराखंड के रुड़की गंग नहर कोतवाली अंतर्गत आज एसपी देहात मणिकांत मिश्रा के कार्यालय पर संतोष देवी से दो बाइक सवार युवकों द्वारा मोबाइल छीना गया। वहीं प्रेस वार्ता कर एसपी देहात मणिकांत मिश्रा ने बताया कि 25 दिसंबर को संतोष देवी से दो बाइक सवार युवकों ने मोबाइल छीन लिया था, जिसकी सूचना संतोष देवी द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना पर उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार पुलिस ने तुरंत अभियुक्तों की घेराबंदी कर स्थानीय जनता के सहयोग से दो बाइक सवार लड़कों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने अपना नाम शिव नारायण पुत्र नरसिंह पांडे ग्राम करोदी भगवानपुर तथा दूसरे ने अनुज पुत्र ओमपाल निवासी रत्न डबल फाटक रोड की बताया। उनके पास से लूटा गया मोबाइल फोन तथा घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई। आपको बता दें कि अनुज पतंजलि में सफाई कर्मचारी है। क्राइम स्टोरी के लिए रुड़की से मिक्की जैदी की रिपोर्ट। कल शाम को पुलिस के द्वारा दो लड़के गिरफ्तार किए गए। इन दोनों लड़कों में से एक का नाम अनुज और दूसरे का शिव नारायण है। ये पाटली गुजर डबल फाटक के पास एक महिला जिनकी उम्र 55 साल थी, उनसे मोबाइल छीने और भाग लिए। पुलिस की सतर्कता से और कुछ पब्लिक की सहायता से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद हुई। उन्हें आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। पुलिस से इन्होंने ये बताया कि इसके पूर्व भी उन्होंने एक मोबाइल की लूट की थी, जो मोबाइल आज पुलिस थाने में इन्हीं के द्वारा प्रदान किया गया है, जो इनके जेब से ही निकला है। और भी ये घटनाएं अभी बता रहे हैं कि कुछ जगहों पर किया है, जो यूपी के आसपास के जिले हैं जो उत्तराखंड से मिलते हैं, उन जगहों पर भी इन्होंने कुछ घटनाएं की हैं।